शांति। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को आसपास के आवाजों और हलचल से ले चलते हैं अपने अंतर आत्मा की यात्रा पर। एकाग्र हो जाएं, स्थिर हो जाएं, देह से उपरांत शक्ति स्वरूप लाइट माइट स्थिति में। स्थित हो जाएं अपने ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारे स्वरूप में। स्वयं परम ज्योति ज्ञान सिंधु बाबा ने आज मुरली में मेरी वास्तविक अस्तित्व की, मेरी अनादि शक्तियों और गुणों की स्मृति दिलाई। मैं तो देह बान वश खुद को मैं एक आत्मा हूं ये ही भूल गई। अपने को असमर्थ अधीन समझते दुखी हो रही थी, पर अब बाबा ने मुझे मेरी आत्मा के सर्व समानों की स्मृति दिलाई। खुद का परिचय उसके साथ साथ मेरा अपना सर्व संबंधों का अनुभव कराकर मेरी सर्व शक्तियां मर्ज करके श्रेष्ठ स्थिति बना दी। अनुभव करते जाएं ध्यान सूर्य की चमक मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही है। उनका सारा ज्ञान मैं उनके सानिध्य में स्वयं धारण करती जा रही हूं। अब मेरे सारे संकल्प बाबा के सानिध्य से पावन बन गए हैं। बुद्धि शक्तिशाली श्रेष्ठ बन गई है। अनुभव हो रहा है मेरी हर कर्म इंद्रियां भी मेरे कंट्रोल में हो रही हैं। बाबा ने आज कहा बच्चे मेरे गले का हार बनना
वहां घर चलने के लिए इस देह और देह के सभी संबंधों को भूल पूरा बेघर बनना है। यानी अशरीरी और देही अभिमानी बनने की मेहनत से मुझे निरंतर याद करना है। बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान देकर हमें त्रिकालदर्शी बनाया, जिससे हम आस्तिक बनकर हकदार बच्चे बनकर मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अब तो मैं बस इस संसार को साक्षी देखकर हर दृश्य देखते अपना तीव्र पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। अभी हम ईश्वरीय संतान शिव बाबा की ईश्वरीय पोते और पोतरियां हैं और उनसे ही वर्षा ले रहे अनुभव करें अपने आप को, मैं कितनी न माला माल हो गई हूं। बाबा हमें लिबरेट कर उस दल दल की दुबन से निकालते हैं और हमें भी औरों को निकालना है। अनुभव करें आंतरिक शक्तियां, सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां सब श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। अब इस आंतरिक शक्तिशाली स्थिति को स्थित हो जाए, जिसके समक्ष कितनी भी बड़ी परिस्थिति बिल्कुल छोटी लग रही है। अब चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कड़े ते करे संस्कार वाली आत्मा को टकराने की भी कोशिश करे, वे अपने ईश्वरीय संस्कार आंतरिक श्रेष्ठ वृत्तियां उसे भी परिवर्तन करते हैं। प्रकृति कितनी भी बड़ा पेपर ले, पांच तत्व किसी भी रूप में सामने आए, मैं योग युक्त स्मृति स्वरूप ऊंची स्थिति में स्थित होकर इन पांच तत्वों प्रकृति पति बन प्रकाश देती हूं, उन्हें भी अपनी आंतरिक पवित्रता से पावन बना देती हूं। अब चाहे कैसी भी हलचल हो, कितनी भी समस्याएं सामने आए, कितने जीवन में उतार चढ़ाव की घटनाएं सामने आए, मैं अपने मन बुद्धि को
सुरक्षित करती हूँ। किसी भी बात में विचलित नहीं होती हूँ। अंगन के समान हर दृश्य कल्याणकारी समझ ईश्वरीय छत्र छाया में अचल अडोल रहती हूँ। बीती हुई पुरानी देह की बातों को माया के विभिन्न विभिन्न रूपों को परमात्मा के सम्मानों की स्मृति से अविनाशी ड्रामा के ज्ञान से सहज फुल स्टॉप लगा देती हूँ। व्यक्तियां वस्तु साधनों के आकर्षणों से पड़े पल भेना को छोड़कर सदा शक्ति स्वरूप रहती हूँ। और अपने को तीव्र पुरुषार्थी स्थिति में स्थित करती हूँ। गुप्त रूप से पुरुषार्थ कर ध्यान की पराकाष्ठा तक पहुंच रही हूँ, जिससे मेरे सारे प्रॉब्लम विघ्न दूर भाग रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।